यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जेरे तमाम तकरीबे तकसीम इनामात का इनकार किया गया, जबकि मेहमान खसूसी कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्रिकेट टीम ने हायर एजुकेशन के जेरे तमाम इंटर यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की, जिसके हवाले से तकरीबे तकसीम इनामात का इनकार किया गया। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि वाइस चांसलर यूईडी मजहर हुसैन और डीजी स्पोर्ट्स समेत दीगर भी शरीक थे। लाहौर 24 न्यूज से बात करते हुए खसूसी गुफ्तगू के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और वाइस चांसलर मोहम्मद मजहर ने अपने ख्याल का इजहार किया, जबकि यूईडी क्रिकेटर टीम के कोच मोहम्मद ताहिर ने भी कहा, थैंक यू वेरी मच, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी टीम जो नेशनल चैंपियनशिप मुनक्किद हुई थी, जिसको HEC ने ऑर्गेनाइज किया था और पूरे मुल्क से यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें सेकंड पोजीशन हासिल की। तो हमारे टीम के लिए ये बड़ी एक ऑनर की बात है कि आज हफीज़ साहब हमारे साथ हैं और इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और अब ये यूनिवर्सिटी से इनका बड़ा पुराना तल्लक है और हम चाहेंगे कि ये रिवाइव करें और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें, कोच करें। ये बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने पहले बताया कि VC साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे इस तकरीब में बुलाया और इन तमाम चैंपियंस के साथ मुलाकात की, क्योंकि जो चीज़ इनके लिए अच्छी है कि ये इंजीनियर्स हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एडमिशन है वो किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स बेस पर नहीं है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इनका हार्डवर्क है कि जो भी इनका फ्री टाइम मिला इन्होंने प्रैक्टिस की। तो मैंने भी कुछ सिफारिशात दी हैं, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आई एम श्योर कि ये ज़रूर पॉलिसी को इसको देखेंगे। फाइनल में हमारी टीम हारी है, मगर फिर भी ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और जिसमें हमारी टीम को ज़्यादा प्रेफर मिला है। स्पोर्ट्स की दुनिया में मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं।